एवरीवन दिस इज क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर टू पॉलिनोम एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री यहाँ पर हम लोग कल लास्ट टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसे पैटर्न पे है क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर वन एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए तो क्वेश्चन में यह है कि जब ये जो पॉलिनोम गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इसको आप डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से तो रिमाइंडर क्या आएगा अब आप डाउन साइड भी देख सकते हैं क्या है कि एक्स माइनस ए को ज़ीरो के इक्वल ले लिया गया है और वहाँ से जब ए को ट्रांसफर किया गया तो एक्स इज इक्वल टू हो गया ए और फिर वैल्यू पुटिंग कर देनी है एक्स इज इक्वल टू ए इन द गिवन पॉलिनोमियल इससे क्या होगा कि जो भी आंसर या रिजल्ट आएगा वो रिज़ल्ट वो आंसर आपका रिमाइंडर ही होगा तो देखिए सॉल्यूशन में इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए अब यहाँ पे व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए मतलब कि जब आप इसको डिवाइड करते करने जाते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है उस पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे ए की वैल्यू रखने पर जो भी आएगा वही रिमाइंडर होगा तो सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए इन पी एक्स वी गेट पी ए इज इक्वल टू ए क्यूब क्योंकि एक्स क्यूब था तो ए क्यूब हो गया और फिर ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर और वो दोनों मिलके क्या हो जाएगा ए क्यूब तो एक हो गया प्लस का ए क्यूब और एक हो गया माइनस का ए क्यूब प्लस सिक्स इन ए माइनस ऑफ ए तो आप देख पा रहे हैं कि प्लस ए क्यूब से माइनस ए क्यूब वैसे ही कैंसिल हो गया और सिक्स ए में से माइनस ए सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा फाइव ए सो यही हमारा रिमाइंडर है यही हमारा आंसर है फाइव ए सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स आपको चेक ये करना है कि सेवन प्लस थ्री एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवन प्लस थ्री एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट कर लेंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा जब सेवन ट्रांसफर होगा तो माइनस सेवन हो जाएगा और थ्री ट्रांसफर होगा तो डिवाइड हो जाएगा थ्री से तो ये आपको दे देगा माइनस ऑफ सेवन बाई थ्री यहाँ पे है थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स तो पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा अब देख पा रहे हैं पी ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो रहा है थ्री इंटू माइनस सेवन बाई थ्री का क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस थ्री सेवन बाई थ्री तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं माइनस ऑफ थ्री से थ्री टीम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट टर्म में एक थ्री से एक थ्री कैंसिल हो जाएगा और सेवन का क्यूब करेंगे तो थ्री फोर्टी थ्री आएगा माइनस थ्री का अपॉन में आ जाएगा नाइन और सेकंड केस में क्या है सेवन सेवन जहाँ फोर्टी नाइन माइनस का अपॉन थ्री दोनों का एलसीएम हो जाएगा नाइन तो फर्स्ट प्लेस पे है माइनस थ्री फोटी थ्री और सेकंड प्लेस पे हो जाएगा फोर्टी नाइन थ्रीजा माइनस वन फोर्टी सेवन और ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाता है साइन माइनस का होता है तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ऑफ फोर नाइन्टी बाई नाइन तो यही आपका जो है रिमाइंडर हो जाएगा सो द रिमाइंडर इज़ माइनस ऑफ फोर नाइन्टी बाई नाइन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम जीरो अब ये जीरो से अलग है तो हमको ये पता करना था कि ये फैक्ट आ, फैक्टर है या नहीं तो कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी हो सकता है जब हम उसकी वैल्यू पुट करें और रिमाइंडर आ जाए ज़ीरो लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर तो ज़ीरो नहीं हो रहा है तो इन विच केस द रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल तो यहाँ पे इस इसलिए थ्री एक्स प्लस सेवन फैक्टर नहीं होगा थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का सो दिस इज योर आंसर नाउ आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस ऑफ दिस चैप्टर ऑन दिस पैटर्न इस पैटर्न पे और भी जो क्वेश्चन है किसी अन्य हेल्प बुक से लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है इफ़ एक्स प्लस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस फाइव के दैन के इज वॉट और फोर ऑप्शन है ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है बट ये साइड बुक में है उससे मैं करवा रहा हूँ आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टाइप का तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जो गिवन पॉली जिसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं सो वी हैव रिटर्न एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अब क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इन द गिवन पॉलीनोमियल जो कि पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस फाइव के तो जैसे ही आप फाइव पुट करते हो माइनस ऑफ फाइव पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है माइनस ऑफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस फाइव पुट होकर देना है तो माइनस ऑफ फाइव का क्यूब माइनस ऑफ ट्वेंटी इंटू माइनस ऑफ फाइव प्लस ऑफ फाइव के ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये गिवन है कि एक्स प्लस फाइव इज इज एक्स प्लस फाइव क्या है फैक्टर है तो यहाँ से आपको ऑपरेट होकर मिलेगा माइनस ऑफ़ वन ट्वेंटी फाइव और माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव में मल्टीप्लाई होकर प्लस ऑफ हंड्रेड दे देगा प्लस ऑफ फाइव के इज इक्वल टू जीरो है ही माइनस वन ट्वेंटी फाइव और प्लस वन हंड्रेड मिल के हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव के इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से आ जाएगा फाइव के इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव के इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फाइव और फाइव से कैंसिल होकर ट्वेंटी फाइव आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा के इज इक्वल टू फाइव तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइड बुक्स में वहाँ से आप लेके सॉल्व करते रहिएगा थैंक यू